माननीय महोदय, आज यदि हमारा झारखंड गर्त की स्थिति में जा रहा है, गर्त की दिशा में जा रहा है, विकास नहीं हो रहा है, इसका कारण कहीं ना कहीं आप है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने गलत लोगों को संरक्षण देने का काम किया है। पूजा सिंह जैसे लोगों के द्वारा हमारे यहाँ के जिले को संचालित किया, झारखंड को संचालित करने का काम किया है। छवि रंजन जैसे लोगों के द्वारा जिले को संचालित करने का काम किया है। वीरेंद्र राम जैसे लोगों को आपने महत्वपूर्ण पदों पर आसीन करने का काम किया है और आपने कभी कोई अंकुश नहीं लगाया, शिकंजा नहीं कसी, जिसका परिणाम है कि आज हमारा झारखंड बदनाम हो रहा है, हमारे झारखंड ही बदनाम हो रहे हैं, हमारे झारखंडियों के पैसे लूटे जा रहे हैं, छले जा रहे हैं, ठगे जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ महोदय आप धनुगाही करने का काम कर रहे हैं, इसके सिवा कुछ नहीं कर रहे। बीते हुए 128 दिनों से यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बताने का प्रयास कर रहा हूँ, अपने आग्रह कर रहा हूँ, विनती निवेदन कर रहा हूँ कि खतियान के आधार पर स्थान नीति बना दे, खतियान के आधार पर नियोजन नीति बना दे, ताकि हमारे यहाँ के एक एक युवा युवतियों को उनके हाथों को रोजगार मिल सके, उनको पहचान मिल सके, खतियानी होने का गौरव प्राप्त हो सके। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कहीं ना कहीं आपने भी पूर्ववर्ती सरकारों की तरह तरीके से हमारी भावनाओं को ठगने का, छलने का, कुचलने का प्रयास किया है और हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उनके टैलेंट को दबाने का प्रयास किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इस उम्मीद के साथ में आपको सत्ता नहीं दी गई थी। सत्ता में अगर बिठाने का काम किया है तो सिर्फ और सिर्फ खतियानियों ने किया है। खतियानी सिर्फ एक ही उम्मीद जाहिर करते थे आपके समक्ष, एक ही उम्मीद के साथ में, विश्वास के साथ में, भरोसे के साथ में, कि जो पूर्ववर्ती सरकारों ने काम किया है वो गलत किया है और आपसे एक उम्मीद बनी थी कि आप बेहतर करेंगे, बेहतर नीतियां लाएंगे। अभी भी तकरीबन 8 लाख हमारे यहाँ रिक्तियां भरी पड़ी है हर एक विभागों में। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं रोज की रोज यही कहता हूँ आपको कि झारखंड में जितनी भी विभागें हैं, विभाग में जितनी भी कुर्सियां हैं, हर कुर्सी में बैठने वाला व्यक्ति हमारा खतियानी होना चाहिए, चाहे अफसर की कुर्सी हो या फिर चपरासी की कुर्सी हो। माननीय महोदय, आज यदि हमारा झारखंड गर्त की स्थिति में जा रहा है, गर्त की दिशा में जा रहा है, विकास नहीं हो रहा है, इसका कारण कहीं ना कहीं आप है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने गलत लोगों को संरक्षण देने का काम किया है। पूजा सिंह जैसे लोगों के द्वारा हमारे यहाँ के जिले को संचालित किया, झारखंड को संचालित करने का काम किया है। छवि रंजन जैसे लोगों के द्वारा जिले को संचालित करने का काम किया है। वीरेंद्र राम जैसे लोगों को आपने महत्वपूर्ण पदों पर आसीन करने का काम किया है और आपने कभी कोई अंकुश नहीं लगाया, शिकंजा नहीं कसी, जिसका परिणाम है कि आज हमारा झारखंड बदनाम हो रहा है, हमारे झारखंड ही बदनाम हो रहे हैं, हमारे झारखंडियों के पैसे लूटे जा रहे हैं, छले जा रहे हैं, ठगे जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ महोदय आप धनुगाही करने का काम कर रहे हैं, इसके सिवा कुछ नहीं कर रहे। लेकिन महोदय, यदि हर एक पदों पर हमारे यहाँ के खतियानी आसीन होते, बैठे होते, हर एक पदों पर यदि हमारा व्यक्ति होता, चाहे प्रखंड हो, अंचल हो, थाना हो, जिला मुख्यालय हो या सचिवालय और मंत्रालय हो, निसंदेह आज हमारा झारखंड समृद्धि के मार्ग पर खुशहाल आगे बढ़ता और चलता नहीं परंतु दौड़ता। माननीय मुख्यमंत्री, मैं तो रोज के रोज यही कहता हूँ आपको कि आप हमारे यहाँ के खतियानियों को समझे। हमारे खतियानी किसी से 19 पीस नहीं है, खतियानी 21 है। इसलिए रोज का रोज हमें किसकी दम दिखाते हैं ताकि आप हमारी भावनाओं को कदर करें, हमारी व्यथा को समझे और इस व्यथा को समझते हुए आने वाले दिनों में नौकरियों में हमें सुनिश्चित कराए, हमारे यहाँ के बेरोजगारों को मौका दे। माननीय महोदय, JPSC बदनाम है, JSSC बदनाम है, जानते हैं क्यों? सिर्फ और सिर्फ गलत लोगों को आप लोगों आपने बिठाने का काम किया, चेयरमैन बनाने का काम किया। अगर हम तो यही कहते हैं कि अगर हमारे यहाँ के व्यक्ति अगर ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर रहते तो निसंदेह हमारी भावनाओं को समझते और JPSC JSSC जैसे महत्वपूर्ण आयोग को बेहतर बनाने की कोशिश करते। आपको ये कतई मनसा नहीं है कि हमारे झारखंडी, हमारे खतियानी आगे बढ़े। आपको सिर्फ चिंता है तो सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी की चिंता है, किसी खतियानी की चिंता नहीं। माननीय महोदय, हम आपको रोज यही तो आग्रह करते हैं, निवेदन विनती करते हैं, आशा गुजारिश करते हैं, भरोसा रखते हैं, थोड़ी सी धमकी भी इसलिए रोज के रोज हम दे देते हैं ताकि आप हमें हमारी समझे, हमारी बातों को समझे। धमकी यही होता है कि आप अगर खतियानी को नहीं समझेंगे, आने वाले दिनों में खतियानी भी आपको नहीं समझेंगे, खतियानी भी आपकी चिंता नहीं करेंगे। जिस उत्साह, जिस जोश और जुनून के साथ में आपको सत्ता की कुर्सी पर बिठाने का काम किए हैं, मुख्यमंत्री बनाने का काम किए हैं, उसी जोश और जुनून के साथ में आपको सत्ता से बेदखल करने का भी काम करेंगे, ये मेरी धमकी। माननीय महोदय, आज हमारा अंतिम दिन है, 129 दिन। आज अगर हम इस दौड़ को पूरी करते हैं तो महोदय 2709 किलोमीटर ये दूरी पूरी होगी। आप समझ सकते हैं महोदय, हमारे पैरों को कितना दर्द होता होगा, लेकिन इस दर्द को हम बयां करते हैं आपके समक्ष सिर्फ और सिर्फ
हमारे खतियानियों के साथ न्याय करे, इंसाफ दे, जो हमें इन 22-23 वर्षों में नहीं मिला। आखिर इसीलिए आपको मुख्यमंत्री बनाया गया है महोदय। आप ये जान ले महोदय, अगर आपको यदि कोई चाहता था सबसे ज्यादा तो अमित चाहता था, आज आपसे ज्यादा क्यों हुआ? सिर्फ और सिर्फ खतियानी नीति नहीं बनाने के कारण। महोदय ये पीड़ादायक है, तकलीफ देह है, चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं आप यदि मुख्यमंत्री हैं और आप यदि इस नीति को नहीं बनाते हैं तो आने वाली पीढ़ी आपको कहने देते हुए नहीं थकेगी। आज भी आपको एक नहीं 21 कदम दिखेगा और यहाँ की खतियानी आपको दिखाने का काम करेंगे इस रांची विधानसभा में।